कुछ लोग कोरोना का जो काढ़ा, कुछ लोग आयुर्वेदिक काढ़ा यहीं पे पी रहे हैं, कुछ अपने घर अपने परिवार के लोगों को भी ले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इन्होंने अभी काढ़ा ले गए अपने परिवार के लिए, आप अपने फैमिली वालों के लिए ले जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, सबको घर पे भी ले जा रहे हैं। मतलब वो यहाँ नहीं आ पाए इसलिए ले जा रहे हैं? इसलिए मैं उनके लिए ले जा रही हूं। आप तो यंग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मेरे को एक चीज बताइए, कितना इस संक्रमण के बारे में जानते हैं, कोरोना को लेकर कितना आप लोग भी डरे हुए हैं? हम लोग भी बहुत डरे हुए हैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी फैल रहा है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 4 दिन में देखने को मिल रहे हैं, तो आप बता नहीं सकते कि किस किस को कितने लोगों को हो सकता है। ये देखिए, एक और भाई साहब आए हैं यहाँ पर, ये भी अपने परिवार के लोगों को, खुद ही नहीं, छह लोगों के लिए, आपके परिवार के सदस्य? हाँ हाँ हाँ, आपका पूरा फैमिली भी, सब लोग, एक तरह सरकार बोल रही है आप सचेत रहिए, जागरूक रहिए, बहुत ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे अभी अपने चीन में भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है, और अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि अपने कम होए ये वायरस वगैरह। और भाई पहले भी टाइम में थी बीमारी, पर ये अब ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, नहीं मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, आप अपने लिए यहाँ पर पी सकते थे, परिवार के लिए भी ले जा रहे, मतलब सबके लिए आप सोच रहे हैं? आप पिया ना, मैंने अभी अभी पिया था ना मैंने, सबके लिए सोच? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, छोटा बच्चा भी यहाँ पर है, ये भी आए हैं यहाँ पर काढ़ा ले जा रहे हैं, केवल अपनी सुरक्षा नहीं, अपने पूरे परिवार आसपास के लोगों के लिए भी ये काढ़ा ले जा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, ताकि इस वायरस का संक्रमण शरीर पर बहुत जल्दी असर ना करें।